दोस्तों ये मेरे पीछे आप जो एक सफ़ेद कलर में दरगाह देख रहे हैं, ये जाति में है। आज इसका सालियाना मेला शुरू हो रहा है और मेले की स्टार्ट में यहाँ पे एक रस्म होती है। इस पूरी दरगाह को दूध से नहलाया जाता है। हम चलते हैं, थोड़ी देर इनका वेट करते हैं। जैसे ही ये रस्म स्टार्ट होती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी नहलाने का जो तरीक़ेकार ये है कि एक तालाब होता है, उसमें पूरा दूध इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद हर बंदा अपना लोटा उठाता है और वो लोटा भर के वहाँ उसमें डालता है। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं उसको। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जो आपको सामने तालाब नज़र आ रहा है, इसमें दूध पड़ा हुआ है और ये लोग अपना अपना मटका भर के उस दरगाह की तरफ जाएंगे। तो हर बंदा अपना अपना मटका जो है इस दूध के तालाब से भर रहा है। भर दो झोले मेरे या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोले मेरे या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हजारों की तादाद में लोग जो हैं ये दूध का मटका भर के दरगाह की तरफ जा रहे हैं। ये दूध की रस्म कैसे आई, कहाँ से आई, इसका कोई ऑथेंटिक जवाब तो नहीं है, लेकिन ये लोगों का अपना बिलीव है। कहा जाता है कि ये दरगाह जो है वो उस दरवेश की है जिसका नाम मुग़ल बीन उर्फ हज़रत सलामत शेख है इसका नाम, और ये कोई आज से 1000 साल पहले पैदा हुए थे, यानी 5वीं हिजरी सन में पैदा हुए थे ये। और उसके बाद ये जब थोड़े बड़े हुए तो ये यहाँ से बगदाद चले गए, वहाँ एक मदरसा इसने जाके ज्वाइन किया और उस मदरसे में ये कुरान शरीफ पढ़ने लगे और 10 साल कुरान पढ़ने के बाद ये वापस यहाँ आए। तो ऐसे ही इसकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। दोस्तों ये वही दूध है जो दरगाह के ऊपर गिराया गया था और ये बच्चे और बड़े नीचे से अपने ऊपर डाल रहे हैं। भर दो झोले मेरे या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। और दोस्तों ये वही दूध है जो दरगाह के ऊपर डाला गया था और अब ये यहाँ से बहकर कचरे में जा रहा है। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है मुझे समझ में नहीं आता, क्यों दूध के साथ ऐसा किया जा रहा है कोई पता नहीं। भर दो झोले मेरे या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोले मेरे या मोहम्मद, लौट। दोस्तों ये लोग ऐसे खड़े हैं कि दरगाह के साथ जैसे ही दूध ऊपर से गिरेगा तो ये इनके ऊपर गिरेगा, और ये लोग मटका भर के आए हैं दूध का, बस इंतज़ार में बैठे हुए हैं, जैसे ही मौका मिलेगा तो ये दरगाह के ऊपर दूध डालना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से लोग आते हैं, मटका भर के लाते हैं ये देखो सारे, और जैसे ही इनको मौका मिलता है तो ये दूध डालना शुरू कर देते हैं। अब ये ऊपर जा रहे हैं तो ये ऊपर से शुरू करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, फिर ऐसे नीचे, जैसे जैसे मौका मिलेगा ये लोग इसके ऊपर दूध डालते जाएंगे। तो ये इस तरह की रस्म है एक। भर दो झोले मेरे या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोले मेरे या मोहम्मद।
तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ जो है दीवार के ऊपर यानी दरगाह की दीवार पे ये दूध छलक रहे हैं और लोग भी खड़े हैं। इन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ये दरगाह का दूध हमारे ऊपर गिरेगा तो हमारा नसीब अच्छा होगा, हमारी किस्मत अच्छी होगी, हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, हमें कुछ परेशानी नहीं होगी। तो ये इस तरह के लोगों के अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट हैं। दोस्तों इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि जब ये हज़रत सलामत बगदाद में मदरसे में थे तब उसने ये वहाँ से पत्थर फेंका था कि ये यहाँ आके गिराए और अब ये लोग आते हैं, इसको चूमते हैं, इसके ऊपर हाथ लगाते हैं और फिर वही हाथ अपने जिस्म के उस हिस्से पे लगाते हैं जहाँ पे इनको कोई तकलीफ़ होती है तो फिर वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। ये इन लोगों का एक यकीन है इसके ऊपर। दोस्तों ये चाचा बूढ़ा इसी दरगाह का मुजावर है यानी इसका चौकीदार है, सिर्फ इसी को ही इजाज़त है अंदर जाने की और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये दरगाह के दरवाज़े हैं जिनके ऊपर ये गोल्ड लगा हुआ है, तो ये दोनों दरवाज़े के ऊपर गोल्ड लगा हुआ है। और दोस्तों ये है दरगाह का बाहर वाला मेन एरिया जो सामने आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है। भर दो झोली मेरी या मुहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय ज़रूर देना और हाँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आप अगर नए हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके साथ बेल के बटन को भी दबा दो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।